एक कॉमन क्वेश्चन आप सबकी तरफ से बहुत टाइम से हमें आ रहा है, आप लोग पर्सनल मेल करके, पर्सनल मैसेजेस करके, कमेंट्स करके ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर आप बोलते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव लोग दिमाग खराब कर देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, जो लोग लेजी हैं अगर हम उनकी तरह रहेंगे, उनके साथ रहेंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे। और मैंने आपको ये बताया भी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद, आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, आप उनके जैसे बन जाओगे जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो सवाल ये आया कि सर वो लोग मिलेंगे कहाँ, कहाँ ऐसे लोग मिलेंगे जो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जिनका थॉट प्रोसेस एक नेक्स्ट लेवल पर है, जो लोग ऑलरेडी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, वो लोग कहाँ मिलेंगे, हाईली इफेक्टिव एंड पॉजिटिव पीपल कहाँ मिलते हैं। अगर ये सवाल आपका भी है तो इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बिल्कुल आप ही की तरह जब मैं अपने आप को देखता हूं कि एक टाइम ऐसा था कि मेरे भी आसपास वही लोग थे जो नेगेटिव थे, जो टांग खींचते थे, आगे बढ़ने नहीं देते थे। सी यहां पे होता क्या है, जो लोग हमेशा आपसे नीचे होते हैं ना, जो नीचे होते हैं वो क्या पकड़ेंगे, वो टांग पकड़ेंगे हमेशा, वो खींचेंगे। और जो लोग आपसे आगे होते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर होते हैं, वो हाथ पकड़ के ना ऊपर खींच लेते हैं। सो आप लोगों को अपनी संगत चेंज करनी है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अगर संगत चेंज हो गई एवरेज चेंज हो जाएगी, अगर वो लोग आसपास चेंज हो गए तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, इनकम चेंज हो जाएगी, खुशियां चेंज हो जाएंगी। क्योंकि आप अगर अपने आसपास देखो तो ज्यादातर लोगों के चेहरे लटके हुए होते हैं, वो आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे। तो वो लोग कहाँ मिलते हैं, वो लोग मिलते हैं इवेंट्स के अंदर। आप खुद सोचो, अगर एक इंसान आगे बढ़ रहा होगा जिंदगी में, कामयाबी हासिल कर रहा होगा, उसे अपने बिजनेस के ऊपर फोकस होगा, तो वो क्या आपको क्लब्स में मिलेगा, वो आपको डीजे पे नाचता हुआ मिलेगा, वो ड्रिंक करता हुआ मिलेगा आपको क्लब्स में? नहीं, वो इंसान अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होगा, वो अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा होगा, वो सेमिनार्स के अंदर मिलेगा आपको, वर्कशॉप्स के अंदर मिलेगा, बूट कैंप्स के अंदर मिलेगा, वो आपको ट्रेनिंग्स के अंदर मिलेगा, वो अपनी ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होगा। उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है ज्यादातर लोगों का फ्यूचर नहीं है। पर वो इंसान ज्यादातर लोगों की भीड़ में आना ही नहीं चाहता, और आप भी आना नहीं चाहते, इसीलिए आप ये वीडियोस देखते हो। अब फाइनली आपको अपने आप से पूछना है कि वो लोग कहां पे मिलते हैं, जो लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो लोग सक्सेस ओरिएंटेड हैं, वो लोग कहां मिलते हैं? वो लोग डेफिनेटली ट्रेनिंग्स में मिलते हैं, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको भी उन जगहों पर जाना है, आपको भी ट्रेनिंग्स के अंदर जाना है, आपको भी सेमिनार्स के अंदर जाना है। उससे होगा क्या, एक तो आपको नेटवर्क करने के लिए लोग मिलेंगे, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपका भी डेवलपमेंट होगा, आपको भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ होता क्या, कभी कभी आपको लगता है कि जब आप ट्रेनिंग्स में जाओगे, सेमिनार्स में जाओगे, वहां पर खर्चा होगा, वहां पर टिकट्स होती हैं। मैं कहता हूं जितना महंगा सेमिनार होगा ना उतना ज्यादा बढ़िया है। इससे ये मतलब नहीं है कि ट्रेनिंग महंगी होगी तो ट्रेनिंग अच्छी होगी, नो नो नो, ट्रेनिंग महंगी से ट्रेनिंग अच्छे होने का मतलब नहीं है। यहां पे मतलब है जो इंसान अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, लेट से 100 रुपए का कहीं सेमिनार हो रहा है, 10,000 रुपए का हो रहा है, तो जहां पर 10,000 रुपए वाला इंसान आएगा वो बड़ा गेम खेल रहा है। अगर एक इंसान अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो किस वैल्यू को इन्वेस्ट कर रहा है, इसके हिसाब से वो क्या गेम प्लान कर रहा है या तो, या वो किस लेवल पे गेम खेल रहा है। आपको अपनी जिंदगी का गेम बढ़ाना है। सी हर बिजनेसमैन ये जानता है कि इन्वेस्टमेंट पहले होती है, रिजल्ट्स बाद में आते हैं। पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट 200 गुना की रिटर्न आती है जब हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। पर ज्यादातर लोग कहां इन्वेस्ट करते हैं, मोबाइल फोन्स में, महंगी गाड़ियों में, ऐसी चीजों में जो उन्हें कमा के नहीं देंगी। बट एक सक्सेसफुल इंसान जो बनने वाला है उसे पता होता है कि अगर मैं अपने ऊपर ही इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, मुझे अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर इन्वेस्ट करना है, मुझे वो सीखना है और उन लोगों के नेटवर्क में आना है, तो वो इन्वेस्ट करता है। सो यह पॉइंट नोट कर लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट पहले करनी होती है, रिजल्ट्स बाद में आते हैं। और मैं एक चीज और बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट तब करनी चाहिए जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको लगता है ना ये बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो चीज आपको चाहिए होती है। आपको मर्सिडीज चाहिए होती है, आपको फरारी चाहिए होती है, अफोर्ड नहीं कर सकते बट चाहिए होती है। यू नो इट, यू डिजर्व इट, राइट? आप जिन ट्रेनिंग्स में आपको लगता है ट्रेनिंग महंगी है, वो आपके लिए है। इफ इट इज कॉस्टली इट इज फॉर यू, बिकॉज वहां पे आपको एक तो नेटवर्क करने के लिए लोग मिलेंगे। इसके अलावा आज मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे पास लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, बट जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना वो दुनिया के मोस्ट इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, सबसे अमीर लोग। कहां मिलते हैं वो मुझे लोग? यहां किताबों के अंदर।
जब मैं किताबें पढ़ता हूँ ना, जब मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ, जब मैं खुद कोचिंग्स लेता हूँ उन लोगों से जो वर्ल्ड के टॉप लोग हैं, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। आप लोग जो मेरी ट्रेनिंग्स लेते हो, मेरे कोर्सेज लेते हो, 50 दिन के लिए आपने मुझे हायर कर लिया है, 50 दिन के लिए, 80 दिन के लिए मेरी अलग अलग जो ट्रेनिंग्स हैं, 60 दिन के लिए आपने मुझे हायर कर लिया है, मैं आपको पर्सनल कोचिंग दे रहा हूँ। 60 दिन तक, 80 दिन तक, 50 दिन तक आपका दिमाग पूरी तरीके से पलट जाएगा। जैसे कि इन लोगों को पढ़ने के बाद मेरा दिमाग पलटता है, वो ट्रेनिंग्स लेने के बाद, वो कोचिंग्स लेने के बाद जब मेरा दिमाग चेंज होता है, मुझे पता है कि लेवल ऑफ लाइफ कैसे बदल रही है, और वो बदलती जा रही है क्योंकि कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट चल रही है। नाउ आप लोगों को वो लोग मिलेंगे कहाँ पे? सेमिनार्स के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर, वर्कशॉप्स के अंदर। वहां पे जाओ, उन लोगों से नेटवर्क करो। अभी तक जो गलत संगत आपने देखी है ना अपने आसपास, उसे छोड़ो, वो लोग कहीं नहीं मिलेंगे। जो फ्रेंड्स आपके आज भी गली के बाहर खड़े होकर सुट्टा मारते हैं ना, वो 5 साल के बाद भी आपको वहीं पे दिख जाएंगे। पर तब फर्क क्या होगा कि आप अपनी बड़ी गाड़ी से निकल रहे होंगे और वो इंसान आपको बोलेंगे, वो जो वहां पे खड़े होते हैं वो आपको बोलेंगे, यार ये तो बड़ा लकी था। आप लकी नहीं थे, आपने मेहनत करी थी, आपको पता था ये कॉन्शियसली कि मुझे किनके साथ आना है, जिनकी तरह बनना है ना उनका साथ देना शुरू कर दो, उनके साथ रहना शुरू कर दो, कैसे भी करके उन्हें सुनो, पॉडकास्ट सुनो, वीडियोस देखो। ये वीडियोस देखते हो ना, बहुत फर्क पड़ता है दिमाग पे, और कॉन्टिन्यूसली फर्क पड़े तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब कर लो, और लोगों का दिमाग चेंज करने के लिए भी ये वीडियो को आप शेयर कीजिए। फाइनली आप लोग अच्छी संगत में रहिए, ट्रेनिंग्स के अंदर रहिए, एंड अगर आपको इस वीडियो में जो सबसे अच्छा जो लगा उसे अगर आप बताना चाहते तो कमेंट करके बताइए कि सबसे अच्छा क्या लगा। फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, और अगर आप मेरी ट्रेनिंग्स लेना चाहते हो, मेरे कोर्सेज लेना चाहते हो, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ PDFs डाउनलोड कर सकते हो और मेरी वेबसाइट्स विजिट कर सकते हो जहां पे आपको मेरी ट्रेनिंग्स मिल सकती हैं। और अगर आप मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट या नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोर्स लेना चाहते हो तो उसकी भी आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वो डिटेल्स लीजिए, एंड फाइनली अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करिए। दिस इज द टाइम फॉर यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ।